काफी लोगों से मैंने ऐसा सुना कि ये नगर ऐसा बना है न भूतों न भविष्यति, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। न भूतों कह सकते हैं न भविष्यति नहीं कह सकते, क्योंकि ये BAPS के संत है और BAPS के हरिभक्त है। वो इससे भी बड़ा कुछ और जोरदार कर सकते हैं, कि करने की क्षमता रखते हैं। ये भी हमने किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा 600 एकड़ में सिर्फ एक महीने के लिए कौन करता है ऐसा। इतने सारे जो प्रमुख स्वामी जी के जो जीवन के जो अच्छे अच्छे विचार है, ये नगर में जो भी आएगा वो यहाँ से एक भी विचार अगर ले जाके घर ले जाके अपने जीवन में अगर वो उतारता है तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। महंत स्वामी महाराज, मतलब मैं जब भी उनके दर्शन करता हूँ तो मैंने ऐसे मन में तय किया था कि मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के उनकी दृष्टि को मुझे झीलना है। लेकिन यकीन मानिए, 2 सेकंड से ज्यादा आप उनकी आंखों में देख नहीं सकते। इतना तेज है उनकी आंखों में कि आप, मैं ऐसे मतलब दर्शन ऐसे देखो फिर मेरी आंख ऐसे हो जाए, ऐसे देखो फिर मेरी आंख ऐसे हो जाए। और उनकी आंखों के जो भाव है वो एक आपको पता चलता है कि इनके अंदर भी भगवान विराजते हैं। जब भी उनका दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसी अनुभूति होती है।